हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगेन हमारे सीडीएस के जो हमारे 20 क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। आई होप पहले के सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे, उसका हम एक प्लेलिस्ट बनवाकर चैनल पर अपलोड करवा देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कोशिश करिएगा सीडीएस में पूछे गए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। इसके साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, क्या आप सीडीएस में इंग्लिश का जो हमारा पेपर था उसका भी इस तरह से एनालिसिस चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हाँ, आप इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन का भी यहाँ पर हमसे एक डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, तो हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारी दूसरी सीरीज है जो कि हमारी PT 365 हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसको किसी कारणवश हम अभी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो भी हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि PT 365 भी आपका तब तक एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। और करंट अफेयर्स तो हमारे वीकली चल ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है, हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हम 101 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉर्वे कल्चर ऑफ दक्कन। अब यहाँ पर जॉर्वे कल्चर के बारे में बात की गई है, दक्कन के, है ना। मैंने आप लोगों को जैसे कि इस पेपर को एनालाइज हमने जितना किया है उसमें हमको ये समझ में आया है कि दक्षिण पर अभी इस समय पर एग्जाम का फोकस बहुत ज्यादा है, तो दक्षिण से जुड़ी हुई सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ते चले आगे आने वाले पेपर्स के लिए, ठीक है। इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ द मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही बात कही है इसमें कि जॉर्वे कल्चर जो है वो कोंकण डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है, ये आपको प्रवान एंड गोदावरी वैली सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलता है, और ये भी बिल्कुल सही बात है। द लार्ज साइट ऑफ द कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर। देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो झूम कृषि होती है उसकी बात की गई है, और यहाँ पर जॉर्वे कल्चर की बात की है, दोनों बहुत अलग हैं, तो ये कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत, ऑप्शन वन एंड टू हमारे यहाँ पे हो जाता है सही, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदुराई। देखिए, अगेन मैं बोल रही थी आपको कि दक्षिण की बात ज्यादा हो रही है। द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम, ठीक है, चोल और हमारे चोला एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है, जितने भी पांड्या एम्पायर के बारे में पढ़ा है, राजा राजा प्रथम के बारे में पढ़ा है, कृष्णदेव राय प्रथम के बारे में, बहुत सारे राजाओं के बारे में इसमें आपको देखने के लिए मिला है, तो कोशिश करिए उनके बारे में पढ़ते चलिए यूपीएससी के पेपर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुराई कच्ची एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी एनक्लोज्ड बाय द वॉल्स ऑफ थ्री साइड्स एंड वैगई रिवर ऑन द फोर्थ साइड। हमने पढ़ा है कि मदुराई मंदिर के किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वैगई रिवर के किनारे बसा हुआ है, हमने ये भी इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया हुआ है अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल, बिल्कुल सही बात है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कहीं ना कहीं। देन फिर अदर लिटरेसी सोर्सेज डिस्क्राइब इज एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। अब जब कॉटन इंडस्ट्री है तो क्राफ्ट सेंटर भी यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है, तो हमारे ऑप्शन तीनों जो है वो यहां पर सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। अब सवाई जयसिंह भी बहुत चर्चा में थे, ही लर्न ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशंस एंड ऑप्टेन दीला हीरा टेबल फ्रॉम विच ही प्रोड्यूस्ड अ रिफ्रैक्शन टेबल। ये हमने पढ़ा हुआ है कहीं कि इसके बारे में इन्होंने इस तरह से वर्णन किया हुआ है सवाई जी ने, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ये वाला थोड़ा सा टफर साइड का क्वेश्चन हो जाता है, अगर इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को अटेंड करने से बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है, एक एक नंबर बहुत कीमती है, तो हम ऐसे गंवा नहीं सकते। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए, मेरी आपको सलाह है, ठीक है। हिज एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डिवेलप अ टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन टू ऑब्जर्व द लूनार फेस ऑफ वीनस। अब देखिए, जब एस्ट्रोनॉमिकल वर्क कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक कहना चाहिए हमने क्या एक ग्रह पर हमने बात करी ही होगी, तो यहाँ पर इन्होंने वीनस पे बात की है, ठीक है, तो ऑप्शन वन एंड टू जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव मन कौतूहल। मन कौतूहल ये चर्चा में था, अ वर्क एंड म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ, किसके काल में इसको बनाया गया था, तो ये भी आपके बारे आप लोगों ने इसके बारे में भी बहुत सुना है, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, इनकी बहुत फेमस चीज है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत, चीजों को क्या करना है, सुगम्य बनाना है, सरल बनाना, किन के लिए बनाना है, जो हमारे स्पेशल एबल्ड पर्सन है उनके लिए, हमें डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, स्पेशल एबल्ड पर्सन बोलेंगे, ठीक है,
तो ये प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. बिल्कुल सही बात है. इट एम्स टू डेवलप एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हैं. इट हैज प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. बिल्कुल गलत बात है. या सुगम्य का मतलब है वो जो हमने आपने देखा होगा ना कि जो हमारे स्पेशल एबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए हर जगह पर कुछ अलग सा चढ़ने उतरने के लिए बनाया जाता है, रैंप जो बनाए जाते हैं उनकी बात करी गई है बेसिकली यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन 3 गलत था. तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है. गांधी नेहरू आप जब भी पढ़ते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल. बिल्कुल सही बात है, विलेज लेवल पे बात की थी, महात्मा गांधी जी की बात है. बायकॉट ऑफ द गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. बिल्कुल सही बात करी है ये. टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर. अब लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे कंट्रोल कर लेंगे जब ब्रिटिशर्स के हाथ में सब कुछ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल कैसे हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, गलत. तो ऑप्शन सी जो है इस सही मायने में हमारा सही उत्तर हो जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन साइट एंड द फॉरेस्ट पीपल. अब मौर्यन स्टेट की बात करी गई है एंड फॉरेस्ट पीपल. फॉरेस्ट पीपल मतलब जंगली लोग. आज के समय पे हम इसको एक गलत टर्म में यूज करते हैं, बट उस टाइम पर एक जो जंगल में रह रहा है वो जंगली है, ऐसा हुआ होता था. ठीक है, सो द फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड द नेसेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट एंड एसिमिलेटेड दैम लेड टू द चेंज इन देयर अर्लियर एटीट्यूड ऑफ एक्सक्लूडिंग दीज पीपल फ्रॉम इंपीरियल टेरिटरी. ये इन्होंने किया था, मौर्यन स्टेट में यही हुआ था कि जो भी जंगल में रह रहे हैं उनको जो एक्सक्लूड करके रखा जा रहा था अब वैसा नहीं रखा जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, द स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल. बिल्कुल गलत बात है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. देखिए, सोल मोनोपोली लिखा हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 2 हमारा गलत हो जाता है. आगे देखते हैं, द स्टेट वॉज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वॉज प्रोहिबिटेड. ये बिल्कुल सही बात है, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करने की यहाँ पर बात की गई है. एंड द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज एज अ ट्रूप स्पाई एंड एसिलेशन. ये भी बिल्कुल सही बात है. तो 1, 3 और 4 करेक्ट है, 2 हमारा रॉन्ग है. तो कितने उत्तर हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं, 3 हमारा सही हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज डायमंड माइनिंग. अब ये तो मुझे बिल्कुल पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, डायमंड के लिए कहाँ पर है. आपने गाना सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, है ना. तो पन्ना में हीरा मिलता है, याद रखेंगे. तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. कि मैं आपको गा के नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे गाने से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च इन दिसंबर 2021. क्या मुझे बताने की आवश्यकता है. हमने आदित्य एल1 मिशन चर्चा में था, हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने लैग्रांज पॉइंट्स पढ़े थे, कितने लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में भी पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो. ठीक है, तो वो जो 4 लैग्रांजियन पॉइंट्स थे उसमें से एक में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी रखा गया, मैंने ये भी बताया था. तो किससे रिलेटेड है, सन, है ना. सो द ऑर्बिट, इट ऑर्बिट्स द सन अबाउट 15 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट वी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, म्यूऑन जो होते हैं वो भी यहाँ पर पाए गए हैं. तो ध्यान रखेंगे 1, 2, 3 और 4 आर करेक्ट. तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्यूबिट. ये भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया है. क्यूबिट रिफर्स टू द 2-वैल्यू क्वांटिटी यूज इन क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर्स. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है. फोटो 5-1 रिफर्स टू एन इमेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. जो डीएनए में आप इस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर कट इमेज हमको इसी से मिली है, फोटो 51 से. तो डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे. द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन इज एस्टिमेटेड. मैंने अभी आपको बताया था, हिग्स बोसॉन पार्टिकल वाले अभी एक व्यक्ति हैं जिसको कि नोबेल प्राइज मिला था, उनकी डेथ हो गई है. ये मैंने पढ़ाया आपको करंट अफेयर्स की क्लास में, और हिग्स बोसॉन चर्चा में था तो पूछा गया है. ध्यान रखेंगे 100 GeV, वैसे 125 होता है लेकिन उसके नियरेस्ट हमने यहाँ पर टिक करा है. नेक्स्ट है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक. वैदिक क्लॉक चर्चा में था, मैंने वैदिक क्लॉक पढ़ाया था, तो एटॉमिक क्लॉक के बारे में तो पूछेंगे ही आपसे, ठीक है. तो आपको जब पता होगा कि किस तरह से ये काम करती है, तो इसके बारे में आप इजीली यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, ठीक है. तो इस पे किस पर काम करती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन सीजियम एटम, ये वाला क्वेश्चन टफर साइड पे था. नेक्स्ट है, पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पिरिकल अप्रोच इज वैल्यू लोडेड एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल, ठीक है. यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स अदल बदल कर दिए गए हैं, ये ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे. मतलब नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पिरिकल अप्रोच ये ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल होता है, और जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो वैल्यू लोडेड होता है. तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक है. ये भी टफर साइड में, अब थोड़े से आपको टफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. अब यहाँ पर कैन नॉट बी अ फीचर ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम की बात करी गई है, मतलब एकात्मक शासन की बात करी है. तो वन पार्टी स्टेट, ये चाइना के उस पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी होता है, ठीक. 116 का आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है. देखिए, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स द हार्ड पावर, दो होती है हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर क्या होती है, जो मिलिट्री पावर्स होती है, ठीक है. एक्सरसाइज बाय द बोथ स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ अ थ्रेड एंड कोअर्जन, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही सत्यता बोल दी इन्होंने. नॉट करेक्ट पूछा इनसे. ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरी इकोनॉमिक बट नॉट कल्चरल, बिल्कुल नहीं. आप में से कितने बच्चे घर में लोअर टी शर्ट पहन के मेरा वीडियो देख रहे हैं? आप अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़े होते तो कल्चर चेंज नहीं होता, हम अभी भी घरों में वही ट्रेडिशनल वेयर पहने होते, बट ऐसा नहीं है, हम सब वेस्टर्न कल्चर में कहीं ना कहीं घुल मिल गए हैं, तो कल्चर को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है. नेक्स्ट है, द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस रिफर्स टू द पॉलिसी दैट सीक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है. देन उसके बाद, ऑटर्की इज जनरली अंडरस्टैंड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंसी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सेल्फ सफिशियंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो ऑप्शन टू एंड फोर यहां पर देख सकते हैं आप लोग गलत हो गए हैं. अब यहां पर हमको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो रहा है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट सही था, एक सेकेंड. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे बात करी गई है, और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट सही है. तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है. वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो इंटरवेंशन इन मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट गारंटीड बाय द पार्ट व्हेन दे वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है कि आप अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं कोर्ट. देन उसके बाद, अंडर पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट गारंटीड बाय द पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी बट ऑल्सो बाय इट इन एक्शन, ये बात भी बिल्कुल सही है. बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स थे, दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलो, अब ये थोड़ा सा टफर साइड में आ जाएगा. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करी गई है. ये हमको राइट्स दिए जाते हैं, दैट एवरीवन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, हर एक व्यक्ति पहले है लॉ के पहले. ऑल दो यहाँ पर हमको यहाँ पर इसके कुछ प्रिंसिपल्स की भी बात करी गई है, ठीक है. तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ बोला इट हैज नॉट येट रेटिफाइड, बिल्कुल गलत बात है, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, साइन किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इंडिया ने साइन किया, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट With respect to the right to have a legal ad is correct. 39A. Article 39A, अगर आप लोगों को ध्यान हो, DPSP के अंतर्गत आता, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट कम्स अंडर द DPSP. नेक्स्ट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, बिल्कुल सही बात है, उनको तुरंत बताना पड़ता है. तो ऑप्शन वन एंड टू बोथ आर करेक्ट. ये मेरे तरफ से आपको एनालिसिस था किस तरह से क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्या एक
बहुत नियरेस्ट आंसर मैंने निकालने की कोशिश करी, फिर भी आयोग के आंसर की से आप लोग मैच कर लीजिएगा। कुछ हो सकता है ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चंस का हुआ हो, बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें हमने एनालिसिस करके ही यहाँ पर निकाली आंसर, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। और आई होप आपको ये वाला जो हमने एनालिसिस किया था ये अच्छा लगा होगा। हमने अभी जीके का एनालिसिस किया है, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको करके बताया जाए, इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सी साइड जो है वो एक टफर साइड में आजकल कंसीडर होने लगा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी भी हम अभी से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश करिए, हमें बताइए अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का भी हम एनालिसिस करके दे दें, तो आप वो भी हमें बताइए, हम उसको भी लेकर आएंगे आपके लिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।